लॉन्ग टाइम के बाद आ रहा है वीडियो व्लॉग रेसिपी का, तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला अपनी जुमान में रखे सबको, और उन सबको भी हमारा बहुत बहुत सलाम जो हमारी वीडियो नहीं देखते। तो जनाब चिकन और ये वेजिटेबल से चाइनीज़ नहीं बन रहा है, यहाँ थोड़ा सा कुछ डिफरेंट, और जो कि मेन चीज़ जो है इस वीडियो में रेसिपी में वो है सॉस का। तो यहाँ मैं बना रही हूँ शवरमा। शवरमा के लिए चिकन मैंने लिया है बोनलेस, और तकरीबन हाफ के जी से ज़्यादा लिया है, तो वो तो आपके ऊपर है, आप जितने शवरमा बनाने हो। तो मेरी क्वांटिटी तकरीबन मैंने लिए थे ये 6 शवरमे, और बच भी गया था, तो वो हमने ज़्यादा यूँ रखा था कि हमें भाई आगे कुछ और भी बनाना था। तो यहाँ मैंने लिया है टिक्का मसाला 1 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन लिया है इसमें, और 4 खाने के चम्मच इसमें मैंने दही ऐड, काली मिर्च है इसमें आधी चाय की चम्मची करीब गरम मसाला है, और मस्टर्ड पेस्ट मैंने 1 खाने का चम्मच भर के लिया इसमें, और हसबे ज़रूरत अपने नमक, हसबे जायका नमक लेना है हमने, और ये सारी चीज़ें हमने फिर इनको अच्छे से मिक्सअप करना है। तो दोबारा बता दूँ, काली मिर्च है, गरम मसाला है, और टिक्का मसाला, और रेड चिली भी मैंने थोड़ी सी डाली है इसमें। अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं रेड चिली, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी आपको नहीं चाहिए तो फिर रेड चिली स्किप कर दीजिएगा। मस्टर्ड पेस्ट मैंने 1 से 2 खाने के चम्मच लिए थे, और ये आखिरी मैंने डाला इसमें सिरका। दही मैंने 4 खाने के चम्मच इसमें ऐड करे हैं। अदरक लहसुन मैंने 2 खाने के चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करा है, और बाकी यहाँ सब चीज़ें हो गई हैं मिक्सअप। और मिक्सअप करने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप आधा घंटा रख दें, और मेरे पास नहीं था तो मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको मैरिनेट करके रख दिया था। तो ये तो मेन चीज़ है ही है, मगर इसमें पूरे शवरमे में आप सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ होती है वो है उसका सॉस। जब तक उसका सॉस ज़बरदस्त नहीं होता तो भाई मज़ा नहीं आता। और यहाँ और मेरे लिए शवरमे में ये सबसे ज़्यादा जो कि मुझे बहुत पसंद है, सिरके में बिल्कुल डिप हुए हुए खीरे, तो इनको स्लाइस में मैंने सिरका डाल के डिप करने रख दिया था, और उसमें हल्की सी मैंने चुटकी भर जो है वो चीनी ऐड करी थी। ये इसको हम साइड कर देते हैं, 2 काम हमारे हो चुके हैं। उसके अलावा अभी 2-3 और स्टेप हैं जनाब। अच्छा, बहुत से लोग शवरमा बनाते हैं तो मायनीज़ और उस बस कुछ डाल के और बना लेते हैं, भाई मेन शवरमे की जो रेसिपी होती है ना, वो सॉस जो उसका ज़बरदस्त होता है ना वो है, और दूसरा है इसमें फ्रेंच फ्राइज जो डालते हैं, जो कि बाहर अरब से जो ये निकला हुआ है। तो अगर आप रेसिपी देखें तो मेन रेसिपी जो है वो ये होती है कि उसमें हम लोग चिप्स भी डालते हैं जो कि फ्रेंच फ्राइज, और मेन चीज़ है जो सॉस उसका। यहाँ मैंने शिमला मिर्च और बंद गोभी जो है वो स्लाइस करके बिल्कुल बारीक बारीक वो काट के रख लिए। अच्छा, आप इसमें ऐड कर सकते हैं गाजर भी चाहें तो, टमाटर भी स्लाइस में, और उसका बीच में से गूदा निकाल दें ताकि उसका वो पानी ना छोड़े। तीसरी चीज़ है चुकंदर, वो भी आप स्लाइस में काट सकते हैं, मगर मैंने कुछ भी नहीं लिया था क्योंकि नहीं खाते बच्चे। यहाँ चिकन जो मैरिनेट करके रखा था वो मैंने डाल दिया हल्का सा ऑयल ग्रीस करके और हल्का सा पानी डाल के, और मैंने यहाँ इसको रख दिया पकने के लिए। जब तक ये पकता है तो अभी हमारी दूसरी चीज़ है, हम वो तैयार करेंगे। और यहाँ मैंने थोड़ा सा ही डाला इसमें जर्दे का रंग, ताकि जो एक ज़बरदस्त आप देखते हैं ना बाज़ार में जो शवरमा मिलता है, या बाज़ार में अक्सर जो टिक्के होते हैं उनका कलर बड़ा प्यारा होता है, बड़ा ऑरेंज सा, तो भाई ये वो कलर होता है। यहाँ मैंने लिया है दही सॉस के लिए, और तकरीबन आधा कप के करीब मैंने, आधा चाय का कप जो होता है उसके लिए मैंने इसमें फेंट के दही लिया है। दही के बाद इसमें जाएगा और चीज़ें जाएंगी, सब्र करें, बहुत ज़बरदस्त आपको सॉस की रेसिपी। इस पूरे रेसिपी में जो व्लॉग में जो ये आपको बता रही हूँ, मेन जो चीज़ है ना वो ये है, शोरमा तो सभी बनाते हैं, चिकन भी सब वही मसाले टप डालते हैं, मगर मेन चीज़ ये है। अच्छा, इसमें मैंने लिया है नमक हसब ज़रूरत, आपने बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें और जो चीज़ हम ऐड करेंगे उन सब में ही टेस्ट होता है नमक का। यहाँ मैंने डाली है चीनी, चीनी मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के डाली है। अगर आपने थोड़ा सा खट्टा मीठा रखना है तो आप 4 भी कर सकते हैं, और अगर आपने नॉर्मल रखना है तो सिर्फ आप 2 खाने के चम्मच चीनी डालें। उसके अलावा यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच भर के लाल मिर्च पीसी हुई। आपने अगर और स्पाइसी करना है तो उसको 1 से 1.5 भी चम्मच कर सकते हैं। यहाँ जा रही है काली मिर्च पीसी हुई, वो आधी चाय की चम्मच के करीब मैंने इसमें ऐड करी काली मिर्च पीसी हुई। उसके अलावा अभी और चीज़ें चाहिए जनाब। अब जाएगा इसमें मस्टर्ड पेस्ट, मस्टर्ड पेस्ट मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच भर के डाला है, और आपके पास केचप हो, नॉर्मल गार्लिक सॉस हो, कुछ भी वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास सिंपल
केचप भी था वो, और थोड़ा सा मेरा गार्लिक था वो भी मैंने दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। उसके अलावा मैंने आधा कप इसमें डाला है मायोनीज़, और इन सबको डालने के बाद हम अच्छे से मिक्सअप करेंगे। मिक्सअप करने के बाद इसको हमने अभी, ये सॉस तैयार नहीं हुआ है अभी, तैयार और होगा आगे, देखते जाएं। स्किप नहीं करिएगा वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, और आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक कर दिया करें और आगे शेयर भी कर दिया करें, और बेल आइकन का अगर बटन अभी तक नहीं दबाया तो ज़रूर दबाएँ, ताकि आपको और आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ जाके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ मैंने बिल्कुल एक खाने के चम्मच ऑयल लेने के बाद हल्का सा, जब वो गर्म हुआ, ज़्यादा गर्म नहीं करना है वरना ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो जल जाएगा। आप चाहें तो थोड़ा सा कूट के डाल सकते हैं, और नहीं तो आपने अदरक लहसुन का एक चम्मच पेस्ट डाल देना है। तो मैंने एक खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और उसको हल्का सा हम गोल्डन करेंगे। जैसे ही गोल्डन होगा तो हम उसमें जो सॉस हमने अभी रेडी करा था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन को ज़्यादा आपने नहीं पकाना है वरना वो जल जाएगा, और वो जो सॉस जो है वो आपका बिल्कुल बेकार हो जाएगा, क्योंकि उसमें स्मेल आ जाएगी अजीब सी। तो यहाँ जैसे ही देखें गोल्डन हुआ है, उसके बाद अभी मैं सॉस जो है इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और इसमें कोई पानी नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। जैसे ही ये सॉस में हल्के से बबल आएंगे, तो हम बबल देखें आ चुके हैं, उसमें हम डाल रहे हैं आधा खाने का चम्मच मैंने इसमें बटर डाला। बटर कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। शुरू में आपको मैंने नमक यूँ ही कम रखा था कि आप इसमें देखें मस्टर्ड पेस्ट में भी नमक मौजूद होता है, केचप में भी मौजूद होता है, और फिर मायोनीज में भी, और अभी हम सॉल्ट जो हमने बटर करा है ऐड, उसमें भी सॉल्ट होता है। तो कोशिश करिएगा कि नमक को थोड़ा सा कम ही रखें। यहाँ सॉस हमारा तैयार हो गया, अच्छे से हमने मिक्सअप कर दिया। मिक्सअप करने के बाद हम इसको उतार देंगे और छोड़ देंगे जब तक थोड़ा ठंडा हो जाए। गरम गरम नहीं हमने ऐड करना, ठीक है। तो यहाँ सॉस मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब मैं इसको निकालूंगी, और उसके बाद हम जाएंगे चिकन की तरफ, जो कि हमारा तकरीबन हो चुका है। ये देखें चिकन जो बड़ा जूसी सा रेडी हो चुका है। तो अभी हम सब इसको छोटे छोटे पीस कर लेंगे, और छोटे छोटे पीस करने के बाद इसको हम, अब हमने आ गए हैं दूसरे मैटर की तरफ, वो है फ्रेंच फ्राइज जो बनाने हैं हमने और शोरमे के लिए। तो जनाब फ्रेंच फ्राइज हमारे रेडी हो चुके हैं। यहाँ शवरमे की चिकन और वेजिटेबल मैं सब एक जगह मिक्स कर रही हूँ। खीरा ऐड नहीं कर रही हूँ, जो कि शवरमे के भिगा हुआ था वो हम ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिसको अगर खाना है तो आप उसके शवरमे में ऐड करें, और जिसको नहीं खाना तो उसको स्किप कर दें। तो यहाँ वेजिटेबल है शिमला मिर्च, बन गोभी, आप चाहें तो मैं दोबारा बता दूँ कि आप चाहें तो चुकंदर भी ले सकते हैं, टमाटर भी ले सकते हैं, गाजर भी ले सकते हैं, मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं लिया। और यही सिर्फ दो वेजिटेबल के साथ चिकन को अच्छे से मिक्सअप करेंगे। उसके बाद भाई जनाब हम आ जाएंगे शवरमे की जो ब्रेड होती है या रोटी जो भी आप कहें उसकी तरफ, और हल्का सा हमने ऑयल ग्रीस करके इसको हमने सेकना है, ज़्यादा नहीं सेकना वरना ये कड़क हो जाएंगी। बिल्कुल आपने हल्का हल्का सेकना है, हल्का सा जब कलर आए और आपने इसको उतार लेना है। तो ये देखें बिल्कुल हल्का सा कलर आने के बाद मैंने इसको उतार लिया, और यहाँ मेरा शॉर्मा रेडी हो चुका है, और मैंने इसको फिलिंग करी है भाई थोड़ा सा सॉस और थोड़े से चिकन और वेजिटेबल और खीरा जो कि हमने ऐड करा था। आई होप कि आपको पसंद आएगी वीडियो। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और सबकी आज बहुत से जो कमेंट्स आ रहे थे शॉर्ट पे के भाई मैं नहीं आ रही ब्लॉग नहीं डाली, तो आज मैं डाल दिया, और दुआ करती हूँ कि इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू रखूँ, डालती रहूँ वीडियो अच्छी से अच्छी, रेसिपी भी और ब्लॉग भी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज़।